वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक बार उसका रिवीजन करा दूं, फिर इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, टेस्टिस एक पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर किसमें स्थित होती है, स्क्रोटल सैक या वृषण कोष के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि वृषण कोष या क्या नाम है उसका, स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है ना, और इसीलिए वहां पर स्पर्म, एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता, वहां स्पर्म जीवित नहीं रह पाता, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। और किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक है ना, ये स्क्रोटल सैक या एब्डोमिनल वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। कई बार ऐसी डिजीज हो जाती है कि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक या वृषण कोष में नहीं उतर पाती तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, उस डिजीज को हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, यानी दोनों में बदल दिया है हिंदी और इंग्लिश में। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाती तो उसे हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो ये हुआ हमारा टेस्टिस का। टेस्टिस कैसे शेप की थी, ओवल शेप की थी, है ना, और पिंक कलर की थी। कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी बता दिया मैंने कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस की इकाई क्या है, टेस्टिस की इकाई बहुत सारे, एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं। कितने लोब्यूल्स है टेस्टिस के अंदर, या कितने सेप्टा है, 250 सेप्टा है, और उन 250 सेप्टा के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, हर सेप्टा के अंदर 1 से 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। मैं केवल आउटर डायग्राम बता रही हूँ, कल मैं तुमको पूरा बता चुकी हूँ, इसीलिए बस केवल डिवीजन करने के लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसकी इकाई है, टेस्टिस की इकाई है। आपसे कोई जिस प्रकार से बॉडी की इकाई सेल है, उसी प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी किसकी इकाई है, टेस्टिस की इकाई है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक जालनुमा संरचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस, क्या बोलते हैं उसको, रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस जो होता है ये, इससे फिर 12 से 20 क्या निकलती है, कॉइल, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ई आप अगर भूल जाते हैं तो याद रखना, अल्फाबेटिकली डी पहले आता है लेकिन यहाँ पर ई यानी डिफरेंशिया पहले आता है, वासा डिफरेंशिया पहले आएगा, वास डिफरेंस बाद में आएगा, ओके। तो वासा डिफरेंशिया कितनी कॉइल ट्यूब के समान संरचना, 12 to 20, और फिर वासा डिफरेंशिया से फिर क्या निकलता है, इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस में क्या, कितने पार्ट से इपिडिडाइमस के, 3 पार्ट से, सबसे पहला कैपोट इपिडिडाइमस, फिर बीच वाला जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, इस तरीके से पूरा एक में पूरा सा रफ बना रही हूँ सबका आउटर स्ट्रक्चर, ये कैपोट इपिडिडाइमस था, ये क्या था, ये बॉडी ऑफ द इपिडिडाइमस या कार्पस इपिडिडाइमस, और ये जो कडा इपिडिडाइमस, इस कडा इपिडिडाइमस से, ये देखो ये कडा इपिडिडाइमस, इससे क्या निकलता है, इससे निकलती है वास डिफरेंस, आ गया ना, देखो ई पहले आ गया, वास डिफरेंस बाद में, वास डिफरेंस एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है जो कि यूरिनरी यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर, इस यूरेटर पर कॉइल डालती हुई या फंदा डालती हुई किसमें खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में आती है। देखो याद रखना, एक क्वेश्चन आता है नीट में आ चुका है कि किसके ऊपर ये लूप बनाती हुई जाती है, तो किस पे लूप बना रही है, यूरेटर के ऊपर, उससे लूप बनाया फिर ये गई यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, खुलने से पहले इसमें क्या मिलता है, सेमिनल वेसिकल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड,
वास्ट डिफरेंस जो होती है, ये वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल के साथ मिलकर के किसमें खुलती है? सेमिनल वेसाइकल दिख रहा है ना आपको, ये वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल के साथ फ्यूज कर दिए और इसके साथ मिलकर के किसमें खुलेगी? एक बनाएगी डक्ट, जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और उस इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है ये इजैकुलेटरी डक्ट, फिर किसमें ओपन होती है? इस यूरिथ्रा में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? यूरिथ्रा के अंदर। व्हाट इज यूरिथ्रा? यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा किससे निकलती है? ये यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। यूरिथ्रा किससे जा रही है? पूरी है यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, देखिए, और फिर ये आगे की तरफ होती हुई यूरिनोजेनिटल पैसेज से होती हुई एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। कौन? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट या यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और फिर ये यूरिनोजेनिटल, ये पूरा ट्रैक्ट कौन सा है? ये नर जनन मूत्र, वो क्या नाम है इसको, नर मूत्र वाहिनी मार्ग है या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है। इस यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से होती हुई यूरिथ्रा एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है, एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मीएटस। यूरिथ्रल मीएटस क्या है? यूरिथ्रल मीएटस क्या है कि जब यूरिथ्रा एक पोर के द्वारा यूरिनोजेनिटल मार्ग से बाहर खुलती है, नर मूत्र जनन वाहिनी से बाहर खुलती है, तो उस छिद्र का नाम क्या है? यूरिथ्रल मीएटस। ओके, तो ये अपना रिवीजन था। तो इसमें आपको वही मालूम है कि कौन कौन सी डक्ट पर टेस्टिस कैसी है, प्राइमरी ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन कौन कौन से हुए, सेकेंडरी ऑर्गन इसके अंदर चालू हुआ कहां से? रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से क्या नाम है वासाइफ्रेंसिया, वासाइफ्रेंसिया से क्या नाम है इपिलडाइमस, इपिलडाइमस से फिर वास डिफरेंस से वास डिफरेंस से इजेकुलेटरी डक्ट है ना, और इजेकुलेटरी डक्ट से फिर यूरिथ्रा। ओके, तो ये क्या है? ये सब ये जो दिख रहे हैं आपको यहां से, कहां से? टेस्टिस की सेमिनी वेस्टिब्यूल से ये निकलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यानी एसेसरी डक्ट्स हैं, जिनका काम स्पर्म को आगे ले जाने का होता है। ठीक है, तो अब अपन ने कल और पढ़ा था कौन सी कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी प्रेजेंट थी? तो सबसे पहले कौन सी? सेमिनल वेसाइकल, जो कि एक गुब्बारे जैसे, वो बैगलाइक स्ट्रक्चर जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या सीक्रेट होता है? सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट होता है, और ये सेमिनल फ्लूइड कैसा है? अल्कलाइन क्षारीय होता है। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? मैंने बताया था बहुत सारी फॉस्फेट सिट्रेट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम भी बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक तो फ्रक्टोज, कल भी बताया था और वापस आज रिवीजन कर रही हूँ, आपको रिवाइज कर रही हूँ कि फ्रक्टोज, और दूसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये जो फाइब्रिनोजन होती है ये क्या करती है? ये स्पर्म को कोगुलेट कर लेती है, खट्टा कर देती है और इनएक्टिव कर देती है। ठीक है, ये कौन? सेमिनल वेसाइकल से जो फ्लूइड सीक्रेट होती है, ये फ्लूइड से फ्लूइड जो सीक्रेट होगा वो फ्लूइड सीमेन का कितना पार्ट बनाता है? 60-70% पार्ट किसका बनाता है? ये सीमेन का फॉर्मेशन करता है। कितना परसेंट? 60-70% किसका? सीमेन का। तो सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड सीमेन का कितना पार्ट बनाएगा? सीमेन जो कि स्पर्म के द्वारा सीक्रेट होता है फ्लूइड में, तो उसमें जो फ्लूइड सीक्रेट हुआ उसे क्या कहते हैं? सीमेन। उस सीमेन में सेमिनल फ्लूइड का कितना मात्रा है? 60-70%। ओके, नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि क्या नाम है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट होता है। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये किसके जंक्शन पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है क्या नाम है इसके, इजेकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी, ये क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर तथा इजेकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, ये भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है। लेकिन इससे क्या सीक्रेट होता है, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? कल मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो प्रोटीन सीक्रेट होती है उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनो
लाइसिन, बाकी बहुत सारी चीजें होती है, फॉस्फेट कैल्शियम वगैरह सब होता है, सिट्रेट वगैरह, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कई एंजाइम भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फाइब्रोलाइसिन। ये फाइब्रोलाइसिन क्या करता है? ये फाइब्रोलाइसिन जनरली हमने बताया था कि जब सामाइनल फ्लूड जो सीक्रेट हो रहा था वो क्या कर रहा था, स्पर्म को कोगुलेट कर रहा था, यानी उसको क्या कर रहा था, इनएक्टिव कर रहा था, ठीक है। तो उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? ये स्पर्म को एक्टिव कर देता है। स्पर्म को एक्टिव करने का काम कौन करेगा? ये एक्टिव करेगा कौन? फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। और प्रोस्टेटिक फ्लूड जो सीक्रेट होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूड सीमेन का सीमेन का 20-30% भाग होता है, ओके। तो स्पर्म का जो सीमेन होता है वो किस किस से मिलके बना हुआ रहता है? स्पर्म का सीमेन किससे बने हुआ? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूड प्लस सेमाइनल फ्लूड ओके। कितना परसेंट था सेमाइनल फ्लूड? 60-70%। 10% स्पर्म होता है और प्लस 22 प्रोस्टेटिक फ्लूड, ये कितना परसेंट होता है? ये 20-30%। तो इस तीनों से मिलकर के क्या बना? सीमेन बनता है, ओके, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी थी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स क्या काम करती है? ये जब कॉपुलेशन के समय जब ये जाते हैं तो इसके मार्क को क्या करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है, यानी जैसे कहते हैं ना इसको इजीली स्पर्म जो होते हैं आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे एंटर होने के लिए इनको सुविधा होती है। तो लुब्रिकेट करने का काम कब? कॉपुलेशन के समय। इस यूरिनोजेनाइटल मार्क को लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड करती है। तो तीन ग्लैंड हुई, सामाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसका अदर नाम है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड किसका नाम है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड है। और ये क्या करती है? कॉपुलेशन के समय इस यूरिनोजेनाइटल मार्क को कैसी करती है? लुब्रिकेट करती है, जिससे स्पर्म आगे आसानी से मूव कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। पेनिस क्या है? पेनिस, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है पेनिस का। ये जो पेनिस होता है, ये पेनिस कैसा है? ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आउटर पार्ट जो है पेनिस कहलाता है। इट इज द इरेक्टाइल एंड मस्कुलर ऑर्गन्स। और कैसा शेप है इसका? सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है, देखिए पूरा सिलेंड्रिकल शेप होता है। इट इज ए इरेक्टाइल, है ना, यानी ये बेलनाकार है, इरेक्टाइल यानी संकुचनशील होता है और क्या नाम मस्कुलर होता है। और कैसा है? मस्कुलर होता है। इसके अग्र वाले भाग को, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और इस ग्लैंड्स पेनिस पर एक स्किन लगी हुई रहती है, ढीली ढाली स्किन लगी हुई रहती है, उसको हम कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। तो आपको समझ में आया कि पेनिस इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, कैसा ऑर्गन है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप का है। कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार शेप। कैसा है इसका? सिलेंड्रिकल शेप है, बेलनाकार, इरेक्टाइल है और मस्कुलर है। इरेक्टाइल एंड मस्कुलर है। आगे की तरफ वाला भाग इस पेनिस का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? ये आगे वाला भाग, इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और ग्लैंड्स पेनिस पर एक ढीली ढाली त्वचा लगी हुई रहती है, एक स्किन लगी हुई रहती है, जिसे हम फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। क्या लगा हुआ है, किसका रखा हुआ है?
जिसे क्या कहते हैं हम, फोर स्किन या प्रिप्यूस कहते हैं। ओके क्लियर है ये? तो ये क्या, अब जो पेनिस होते हैं उस पेनिस के अंदर तीन इरेक्ट, जनरली ये आपकी नीट में नहीं, फिर भी एक बार कभी आउटर साइड आउटर पार्ट से आ जाए तो आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर तीन इरेक्टाइल, मैंने बोला था पेनिस कैसा है इरेक्टाइल, इरेक्टाइल क्यों, क्योंकि इसके अंदर तीन इरेक्टाइल टिश्यू लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कैसे कॉर्ड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स हैं, किससे बने, टिश्यू से बने, कोई बोन्स नहीं होती, टिश्यू प्रेजेंट होता है, और कितने संख्या में तीन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से दो कारपोरा, डायग्राम से मैं नहीं बता रही क्योंकि इतना एग्जाम में डायग्राम के द्वारा शो नहीं होता, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में, नीट की बुक में नहीं है, है ना, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही नीट का साला से सारा सिलेबस आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तीन इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें इरेक्शन होता है, और इनमें से दो तो कारपोरा कैवर्नोसा और एक ये ऊपर की तरफ होते हैं, पृष्ठ में होते हैं, इस तरीके से अपन देखते हैं ना, तो इस तरीके से होते हैं। चलो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के बता देती हूँ आपको, ये कापा, ये दोनों ये क्या है, ये कारपोरा कैवर्नोसा है, ये भी कारपोरा कैवर्नोसा, और एक सिंगल होता है नीचे की तरफ, उसे अपन क्या कहते हैं, कारपोरा स्पॉन्जियोसम, कारपोरा स्पॉन्जियोसम। कैसा ऑर्गन है, क्या काम करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो पेनिस, पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका एंटीरियर पार्ट ग्लैंड्स पेनिस कहलाता है, और इस पर एक ढीली ढाली स्किन लगी हुई रहती है जिसे हम फोर स्किन और प्रिप्यूस कहते हैं। ठीक है, और इसमें मसल्स कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, अनैच्छिक पेशियां प्रेजेंट होती है। ठीक है, और पेनिस में थ्री इरेक्टाइल टिश्यू लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से दो डॉर्सल एंड ऊपर की तरफ होते हैं और एक वेंट्रल में होता है, ऊपर वालों को हम कारपोरा कैवर्नोसा कहते हैं और नीचे वाले को कारपोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो ये कौन सा हुआ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। अब हम पढ़ेंगे कि टेस्टिस के हार्मोन्स का एक्शन कैसा होता है, टेस्टिस से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं या मेल रिप्रोडक्टिव, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें हार्मोन्स का एक्शन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स देखिए, जनरली जो हार्मोन्स का है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका कंट्रोल किससे होता है, हाइपोथैलेमस से। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते थे, लेकिन वास्तव में एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड ना होकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते थे, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते थे, मास्टर ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ना होकर के हाइपोथैलेमस होता है। क्यों, क्योंकि सारे ग्लैंड्स का जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस पे इफेक्ट करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH, LH और FSH। ये क्या करते हैं, ये टेस्टिस को प्रभावित करेंगे, टेस्टिस में ये क्या करेंगे, LH जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को, सॉरी टेस्टोस्टेरोन को, पहले इसको एक सेकंड, LH किसको प्रभावित करेगा, लेडिंग सेल्स, जिससे क्या सीक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या सीक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो पहले देखो यहां पर, अभी पहले मैं यहां तक बता दूं कि
जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनका कंट्रोल किससे हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, इसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर के इसने अपना प्रभाव दिया, है ना। किसको इफेक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का नाम क्या है? LH, LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, और इन हार्मोन्स से जब ये सीक्रेट होते हैं तो ये क्या करते हैं? LH जो होता है, LH टेस्टिस की लडिंग सेल्स को इफेक्ट करता है, जिससे क्या सीक्रेट होगा? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होते हैं ना, रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट, मतलब उनको कंट्रोल करता है। कैसे? ये टेस्टोस्टेरोन एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, सबसे पहला काम करता है कि क्या काम करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये काम कौन करता है? रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट पे काम कैसे करेगा? यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ? FSH। FSH का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये किसको इफेक्ट करेगा? ये करेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल, NURS, नर्स सेल। ये सर्टोली सेल को सीक्रेट अगर इफेक्ट करेगा, सर्टोली सेल से, मैंने आपको बताया सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। इसके अलावा सर्टोली सेल एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है। एक हार्मोन मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन सा? एंटी मुलेरियन हार्मोन भी सीक्रेट होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इस हार्मोन का काम क्या होता है कि ये मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, नहीं होने देता। मुलेरियन डक्ट से क्या डेवलप होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उनके विकास को रोकता है। एंटी हो गया यानी उसके विपरीत काम करता है, ओके। दूसरा हार्मोन सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है एबीपी। एबीपी मतलब एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या था? ये एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ये क्या काम करेगी? एंड्रोजन तो सबसे मेन टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बनाए रखती है। उसको कंट्रोल करती है, कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन कहां से सीक्रेट होता है? लैडिंग सेल से, ठीक है, लैडिंग सेल से होता है। तो एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन तो ये काम करेगी। इसके अलावा क्या होता है कि FSH क्या करता है कि सर्टोली सेल्स को रिसेप्टर से जुड़ता है, इसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट होगी। ये एंड्रोजन वाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? टेस्टिस के जो अंदर होती है वो टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है, बनाए रखती है, ठीक है। दूसरा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को जो स्टिमुलेशन करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेशन किसका करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब इसका स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है, जब इसका स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? यानी इसे स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टिमुलेशन होगा इसमें, तो इसका स्पर्म जब ये स्टिमुलेशन ज्यादा होता है तो इस क्या निकलेगा? एक इनिबिन हार्मोन्स निकलेगा। इनिबिन हार्मोन्स किससे निकल रहा है? ये सब सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से इनिबिन हार्मोन निकला, वो इनिबिन हार्मोन्स क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक देगा, यानी ये क्या करेगा? इनिबिन हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा, जिससे ये इसके सिक्रीशन को कम कर देगा, FSH के सिक्रीशन को कम कर देगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। अगर तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या था? यानी एक्सेस
स्पर्मेटोजेनेसिस को ये बढ़ाता है, किसको, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को। जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है तो उसको कम करने का काम कौन करेगा, उसको कम करने का काम इनिविन हार्मोन्स करते हैं। उसको कम करने का काम कौन करेगा, इनिविन हार्मोन, ये निगेटिव फीडबैक देगा, ये इनिविन हार्मोन्स जाएगा और हाइपोथैलेमस पे का रिएक्ट करेगा और उसको कहेगा कि भाई अब तुम रुक जाओ, अब ज्यादा एफएसएच का सिक्रीशन मत करो, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो गई, स्पर्म का प्रोडक्शन हद से ज्यादा होने लग गया। ठीक है, तो ये तो काम किसने किया, सर्टोली सेल से निकलने वाले इनिविन हार्मोन ने। तो पहले यहां तक समझे, सबसे पहला क्या हुआ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने तुम्हें बताया कि सारा कंट्रोल जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इसने किस पर एक्ट किया, इसने किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकले, LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ने क्या काम किया, LH ने इसको टेस्टिस की जो लडिंग सेल्स है उससे किसका लडिंग सेल्स को स्टिमुलेट किया, जिससे क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किस पर काम करता है, रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट पर, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। नंबर दो, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को प्रेरित करता है। ये सारा काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरा जो सीक्रेट हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको प्रभावित करेगा, सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल्स से क्या निकलता है, मैंने बताया था कि सर्टोली सेल कैसी है, एंडोक्राइन नेचर की है। तो उसमें दो हार्मोन है, देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। और दूसरा इससे निकलता है इनिविन हार्मोन, किससे, सर्टोली सेल से। ये इनिविन हार्मोन क्या करता है, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, जरूरत से ज्यादा जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है उस एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। कैसे, ये निगेटिव फीडबैक देता है, किसको, हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस से एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाती है। यानी फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए कौन उत्तरदायी है, एफएसएच, एफएसएच है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर क्या नाम है, इसका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ये भी एक निगेटिव फीडबैक के द्वारा कह जाएगी हाइपोथैलेमस पे जाएगी। इस पे जाएगी हाइपोथैलेमस पर, और हाइपोथैलेमस पे जाकर के ये फिर से जाएगी और किसको रोकेगी, लडिंग एलएच के सिक्रीशन को कम कर देगी। ये कहां रहेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, एक्सेस में निकलने लगती है, तो क्या होगा, ये निगेटिव फीडबैक के द्वारा हाइपोथैलेमस में जाते हैं, यानी हाइपोथैलेमस को रोकते हैं कि अब ज्यादा एलएच का सिक्रीशन मत करो, नहीं तो जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगेगा। आ गया समझ में, तो इस तरीके से ये मेल प्रोडक्टिव हार्मोन्स का कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गया किसके पर, उसने रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, ग्रोथ हार्मोन, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को ऊपर इफेक्ट करा, एंटीरियर से दो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन निकले। एलएच किसको प्रभावित कर रहा है, लडिंग सेल को, लडिंग सेल से क्या सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। जब इसका जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होता है तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस पर अपना अलार्म बजाता है कि भाई अब रुको, अब मत ज्यादा दो, एक्सेस हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ज्यादा कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे, तो निगेटिव फीडबैक देता है ये इसको। और फिर जो एफएसएच होता है, एफएसएच क्या करेगा, सर्टोली सेल पर काम करेगा। सर्टोली सेल से दो सीक्रेट होते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मैंने बताया सर्टोली सेल एंडोक्राइन नेचर की, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट होगी, उसका काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, यानी बनाए रखता है इसको, टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल। दूसरा इससे सीक्रेट, इनिबिन, इनिबिन का मतलब रोकना, इनिबिट करना, रोकना, यानी जरूरत से ज्यादा जब स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगी तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, ये इनिविन हार्मोन करेगा। ये जाएगा हाइपोथैलेमस, भाई अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब एफएसएच का सिक्रीशन मत करो, जरूरत से ज्यादा हो गया, और फिर एफएसएच का सिक्रीशन रुक जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, सिक्रीशन रुकेगा नहीं, कम हो जाएगा, और
फिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।